उसके बाद उस चीज से कभी डर ही नहीं लगता, लेकिन वो क्षण ऐसा होता है कि बस कि अब मरे कि अब मरे। और वो मतलब कुछ भी ऐसी चीज हो जाती है, कुछ भी, घर में बैठे बैठे कुछ करते हुए पीते हुए क्षण भर को आ रहा है बहुत। तो यही मान लीजिए कि पुरानी शारीरिक वृत्तियों का जोर है, क्षणिक है तो कोई बात नहीं, हटते हटते हट जाएगा। पर क्षण भर को जब वो उबाल मारे तो आप उसको समर्थन मत दे दीजिएगा। क्षण भर को आ गया, इसमें आपका कोई चुनाव नहीं है, ये तो पुरानी वृत्तियां हैं जो शरीर में बैठी हुई हैं, वो अपना रूप कभी कभी दिखा देती हैं। उसको बढ़ावा कैसे दो, क्षण तो ऐसा क्षण होता है वो कि बस अब तो उसको झेल जाइए, उसको झेल जाइए, उसको किसी तरह का सातत्य मत दे दीजिए, उसको खींच मत दीजिए। जैसे कई दफे होता है ना कि शरीर में एक दर्द की लहर उठी जबरदस्त, और वो बिल्कुल प्राण चूस लेती है उस वक्त जब वो होती है, पर वो होती 5 से 10 सेकंड को ही है। उस वक्त आपको क्या करना, आप शोर मचाएंगे, दौड़ लगाएंगे, नहीं कुछ नहीं करना, उस वक्त आप बस चुपचाप स्थिर हो जाइए, उसको गुजर जाने दीजिए। सबसे अच्छा जैसे जब कहीं चल रहे हो अचानक से ठंड में अंगूठा कहीं लग जाए, वो वाली जो चूक बिल्कुल चढ़ता है पेन, फिर 5 सेकंड में उतर जाता है तो उसमें एकदम। लेकिन जैसे इसमें पूजो जैसे कह रही है कि इसमें तो पता होता है कि चला जाएगा, क्योंकि ये फिजिकल पेन है, चोट हमें मार, उसमें पता नहीं होता, हर बार इसमें आता है, शक के साथ आता है, ओपन एंडेड होता है, नहीं गया तो। मेरे साथ अब कई दफे होने लगा है, सत्र ले रहा होता हूँ, बैठा हूँ आपके सामने बहुत देर, निरंतर बैठा हूँ 3 घंटे 4 घंटे, क्रैम्प आ जाएगा तो मैं क्या करूँ, मैं भूलता जाता हूँ, या अधिक से अधिक थोड़ी देर को ऐसे बैठ जाऊँगा और ऐसे देखूँगा, जिसको देख रहा हूँ उसको लगता है कुछ दृष्टिपात इत्यादि कर रहा है, उनको पता भी नहीं चलता कि कुछ नहीं है अभी। सर जी एक बार तो वो आपके कुर्ते में ही बता, मुझे आपने तो नहीं बताया था, देखा था कि सेशन के दौरान एक कीड़ा चला गया था, वो पूरे सेशन के दौरान काटता रहा अपना, इधर उधर करता रहा, बाद में जब खोला तो देखा पूरा लाल लाल हो गया। ऐसी चीजों पर ध्यान दिया, ऐसी चीजों का जिक्र किया तो उनको प्रोत्साहन मिल जाता है, उद्दीपन मिल जाता है। जैसे कोई छोटा बच्चा हो तुम्हारे सामने आके कर रहा है, तुम बैठे अखबार पढ़ रहे हो, क्या उलझना, तुम्हें पता है वो 2-4 बार पांव पटकेगा फिर स्वयं ही चला जाएगा। तुम उससे उलझ गए, बातचीत करने लगे, हाँ क्या है क्यों है, नहीं तो तुम गलत कर रहे हो, देखो ये इस तरह से हमें परेशान करना तुम्हें दिख नहीं रहा है कि हम अखबार पढ़ रहे हैं, इस वक्त तुम्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए, वो इतने में तो और बात को तूल मिल गया, जो चीज खुद ही आधे मिनट में समाप्त हो जानी थी अब वो आधा घंटा चलेगी। सारी रामायण पूरी हो गई, सीता को जितना रिश्ते गलत बना रहे हो, मौत से उतना डर रहे हो, तो गलत रिश्तों से हटो, बस यही है, हट गएंगे, अगर हट गए तो फिर प्रश्न भी हट गया। पहले हटोगे या अभी से सवाल दागोगे, जो बताया वो करो। जैसा आपने बताया कि आकाश से कभी संबंध नहीं होता है, तो ये इस तरह से है, जैसे मैं एक बार रूम में बैठा हुआ था तो स्पीकर के साथ संबंध था, मोबाइल के साथ, दीवारों के साथ या रिश्तों के साथ, और परेशान होके जैसे ही मैं बाहर निकला, आंखें बंद की और ऊपर की तरफ ऊपर मुँह उठा के, और 2 मिनट के बाद आंखें खुली तो देखा कि मतलब 10-12 पेड़ों को अच्छे से देख रहा हूँ, कैसे वो झूल रहे हैं वहाँ के साथ, उससे भी दूर नज़र जाते चले गई,
प्रकाश कहीं पे अलग अलग क्वांटिटी के अंदर है या किसी अलग प्रकार का संबंध होता है, कैसे संबंध बना सकते हैं? बेटा इतना कैसे याद रह जाता है तुमको? ये इस बात का लक्षण है कि जीवन में जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो, तुम्हें इस तरह की बातें याद बहुत रह जाती हैं। अपने आप को तुम कहते हो साधारण मानव, और तुम्हें इस तरह के विलक्षण अनुभव इतने ज़्यादा होते हैं कि मैं बैठा था, तभी बाहर रोशनियाँ कोहने लगीं, हवाएं चलने लगीं, पेड़ हिलने लगे और पौधों की हरितिमा अचानक सघन हो गई। अपने आप को साधारण कहते हो, तुम्हें ऐसे अनुभव होते हैं, तो मुझे तो तुम गुरु बताते हो। मुझे तो लगातार ऐसे ही अनुभव होते रहते होंगे कि मुझे अभी दिख रहा है कि सब देवी देवता यहाँ नाच रहे हैं। मैं कभी बात करता हूं इन चीजों की? मुझे फुर्सत नहीं है ये बातें करने की। तुम्हें इतनी फुर्सत क्यों है? फुर्सत इसलिए क्योंकि खाली हो, तो इतनी बातें कर रहे हो, इतनी बातें। रोशनियां नाच रही थी, पेड़ और पशु आपस में बात कर रहे थे। तुम्हें ये एहसास याद क्यों है? सुरति का क्या मतलब है? सिर्फ वो याद रहेगा जो बेशकीमती है, बाकी सब कुछ स्मृति में रखना ही नहीं है। और यही साहिल तुम्हारी जिंदगी की परेशानी है। जो याद रखने लायक चीजें नहीं है वो सब तुमने पकड़ के रखी हुई है। क्यों पकड़ के रखी हुई है? क्योंकि जो चीज तुम्हें याद रखनी चाहिए उसके साथ तुम बेईमानी कर रहे हो। जो करने लायक काम है जब वो नहीं करोगे तो सब फिजूल काम मन पे छाए रहेंगे। अगर आप एक बेईमान जीवन जी रहे हैं तो उसकी पहली और सबसे बड़ी निशानी ये है कि अतीत की फिजूल स्मृतियां आपके लिए बड़ी कीमती रहेंगी। आप बार बार उनका जिक्र करेंगे, आप बार बार उन्हें पुनर्जीवित करेंगे। छोटी सी जिंदगी है और करने को काम बहुत बड़ा है, बहुत बहुत बड़ा काम सामने है। तो फिर तुम मुझे बताओ, तुम्हें अवकाश कैसे मिल जाता है, फुर्सत कैसे मिल जाती है व्यर्थ की चीजें याद रखने को? मैं तो बड़ी हैरत में रहता हूं। मुझे कई बार लगता है परमात्मा मुझसे ही खफा है। जिसको देखो उसे ही पारलौकिक अनुभव होते रहते हैं, मुझे ही नहीं होते। बिल्कुल साफ सच बता रहा हूं, मुझे आज तक कोई पारलौकिक अनुभव नहीं हुआ कि मैं रूह बन गया और मुझे पता नहीं चला कि मैं हूं कि मैं पत्थर हूं। और मैं अपने ही शरीर से बाहर निकल के कूदने लगा, कभी होता ही नहीं। जरूर मैं कुछ पापी किस्म का हूं। जितने भी इस तरह के दैवीय अनुभव होते हैं वो सब तुम्ही लोगों को होते हैं, और दिन के दर्जन के हिसाब से होते हैं। कोई कहेगा मेरे जिगर में घंटियां बजती हैं, किसी को ध्यान में इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है, कोई कह रहा है सुषुप्ति में चला जाता हूं तो झींगरों की आवाज सुनाई देती है। फलाने गुरुजी ने बताया कि यही तो है अनहद। मजदूर बन के जियो, अयाशी की जिंदगी छोड़ दो बिल्कुल।
पत्थर पे सर रख के सो जाया करो, दिन ऐसा बीता हो कि लेटने से पहले नींद आ जाए। मजदूर को नहीं फुर्सत होती कि वो इधर उधर की बात पेलता ठेलता फिरे, दिन भर मेहनत करो। ऐसे अनुभव नहीं हुआ था, बस एक ऐसा विचार आया था कि इनके साथ ही हूं मैं। तुम्हें इस विचार के लिए समय कहां से मिला, कहां से चुराया समय? जब तुम्हारा एक एक पल समर्पित होना चाहिए तुम्हारी मुक्ति के अभियान को, तो तुमने समय कहां से चुराया इधर उधर के विचारों के लिए? देखो, मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें फुर्सत वाला अध्यात्म नहीं दूंगा कि कुछ करो धरो नहीं, खाली बैठ करके हातिमताई के किस्से गढ़ो, उड़न खटोला और जादुई तलवार, ऐसा वाला मेरा अध्यात्म नहीं है। मेरे पास आओगे तो मैं तो तुम्हें मेहनत मशक्कत बताऊंगा, और वो तुम्हें करनी नहीं है। तुम तो सीधे बताते हो कि अरे पुराने लोग इतनी पूंजी किसके लिए छोड़ गए हैं, और ये बात ही अधार्मिक है। जो मेहनत नहीं कर सकता वो साधना क्या करेगा, उसके लिए कौन सी मुक्ति? इतनी मजबूत तुम्हारी जंजीरें हैं, अपनी बेड़ियों को देखो कितनी मोटी हैं, तुम्हें क्या लग रहा है वो बिना मेहनत के टूट जाएंगी? भूतों को धोखा हो जाता है। आश्रम आते हैं, छोटा सा आश्रम, वो सोच के आते हैं अब हम आश्रमवासी हुए, विश्राम रहेगा। आते हैं गुरुजी विश्रांति की बहुत बातें करते हैं, तो विश्राम भी रहेगा, शांति भी रहेगी। तो यहां पहुंचे तो पता चले कि तो काम कराते हैं, 10 घंटे 12 घंटे काम ही काम चल रहा है, खाने पीने सोने उठने का कोई ठिकाना ही नहीं। भाई ऐसा ही है, मेरे देखे तो जीवन धर्म युद्ध है, मखमल का बिछौना नहीं मिलना यहां। युद्ध हमारे अंदर ही चल रहा है ना, अंदर ही दुर्योधन है, अंदर ही नहीं, अंदर नहीं चलना है, बाहर चलना है। तुम्हारे अंदर जो चल रहा है वो तो विलासिता है। युद्ध का मतलब होता है कि ये जिसको तुम अंदर बोलते हो इसको तोड़ देना है। तुम ऐसे कह रहे हो कि टीवी के अंदर चल तो रहा है युद्ध, उस युद्ध में तुम्हारा कहां खून गिर रहा है? टीवी में चल रही है महाभारत, बताया तो हमारे अंदर ही है। वो है तुम्हारा वैसा ही है कि टीवी में देख रहे हो महाभारत चल रही है, दुर्योधन कर्ण अर्जुन भीम चल रहा होगा युद्ध, तुम्हारे तो मजे ही आ रहे हैं ना। मैं उस युद्ध की बात नहीं कर रहा जो टीवी में चलता है, मैं कह रहा हूं तुम्हें मैदान में उतरना पड़ेगा। टीवी पर दूसरे का युद्ध देख के अपना मनोरंजन नहीं करना है, खुद अपना व्यक्तिगत युद्ध लड़ना है, यही स्वधर्म है। वर्चुअल युद्ध नहीं लड़ना है कि बैठे बैठे लड़ाई करवा दी, आंख बंद करी और करवा दी लड़ाई। असली लड़ाई लड़नी है जिसमें हड्डियां टूटती हैं, खून बहता है, नुकसान झेलना पड़ता है। अरे खून नहीं बहा सकते तो कम से कम पसीना तो बहाओ बेटा, तुम तो बस पेट्रोल बहाते हो। क्रम के बारे में अभी तक तुझे सब करनी हरा, क्रम क्या करेंगे?
खलकियों ने पूछा, मुझे नहीं वास्तव में याद रहता कि मैं किस संदर्भ में क्या बता रहा था। मैंने आपसे पहले प्रश्न किया था भी, कर्म फल की इच्छा के बिना तो हमसे कर्म ही नहीं होता। याद आ गया, मैंने कहा था कि अभी तुम निष्काम कर्म को छोड़ो, तुम सम्यक कर्म की बात करो। ठीक, तो क्या नहीं समझ में आ रहा? सम्यक कर्म है कौन से यार? सम्यक कर्म क्या है ये तुम्हारे मर्ज पे निर्भर करता है। मेरे दाएं हाथ में चोट है, और मैं वर्जिश करूं बाएं हाथ की, तो ये सम्यक कर्म हुआ क्या? जहां तकलीफ है, जहां मर्ज है, वहीं उसका उपचार करना पड़ेगा ना। तो मुझे फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया कि ऐसे करा करिए, फिर ऐसे करा करिए, फिर ऐसे करा करिए, तो ये सम्यक कर्म हुआ। तो सम्यक कर्म क्या है मेरे लिए, ये किस चीज पर निर्भर करता है? कि मुझे तकलीफ कहां पर है। जहां तकलीफ है वहां ही तकलीफ को हटाने के लिए जो कर्म किया जाए वो सम्यक कर्म है। तो अब तुम बताओ तुम्हारी जिंदगी में तकलीफ कहां है? तकलीफ तो तकलीफ नहीं पता, तो फिर कुछ भी करो। ये क्या कर रही है बेटा? तुम बहुत बड़ी तकलीफ में हो कि तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारी तकलीफ क्या है। इससे बड़ी तकलीफ क्या होगी? छोटे बच्चे होते हैं 6 महीने के, वो रो रहे हैं, गला फाड़ के रो रहे हैं और बता नहीं पा रहे कि तकलीफ का है। तुम्हारी हालत ऐसी है, रो तो रही हो, वो तो चेहरे पे लिखा है, ये नहीं बता रहे तकलीफ का है। सबसे पहले ये पता करो कि जीवन में तकलीफ कहां है, और उसके लिए जितने तरीके लगा सकते हो लगाओ। अपने आसपास वालों से पूछ लो कि तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है मेरी जिंदगी में क्या कमी है। जिनको तुम श्रेष्ठ मानते हो, आदर्श मानते हो, उनसे अपने जीवन की तुलना करके देख लो कि कहां पर मुझमें कमी है। कमी तो है ही, बच्चा रो रहा है इसका मतलब तकलीफ तो है ही। कहां तकलीफ है इसका जरा निदान करो, डायग्नोसिस करो। भौतिक चीजों से तुम भौतिक से भी कर लो, उसमें क्या हुआ? जितनी भी तरीकों से तुम अपने आप को परख सकते हो परखो ना। जीवन में उमंग है, जीवन में जोश है, प्रेमपूर्ण हो, निर्भय हो, ये सारे प्रश्न अपने आप से पूछो। यही सब तो तुमको बताएंगे ना कि मन में कहां रोग लगा हुआ है। स्वास्थ्य के सूचकों को जानते तो हो कि नहीं जानते हो? तुमसे पूछा जाए कि आंतरिक रूप से एक स्वस्थ व्यक्ति कैसा होता है तो बता दोगे कि नहीं बता दोगे? आंतरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के कुछ लक्षण बताइए, एक एक करके बताइएगा। आपसे शुरू करते हैं, पहला लक्षण कुछ भी। निर्भय होगा, तृप्त होगा, शांत होगा, क्रोध से दूर रहेगा, अक्रोध में रहेगा, संतुष्ट होगा, उत्तृप्त होगा। उन्होंने बोला अत्यंत विचार नहीं करेगा, बहुत चक्की भीतर उसके विचारों की चक्की नहीं चलेगी। निर्भय होगा, डर नहीं था दिया। हाँ, प्रेमपूर्ण रहेगा, लोभी नहीं होगा। ऐसे ही तुम कम से कम 10-20 और सूचक निकाल सकते हो कि नहीं? तो ये सब लिख लो और उनके आगे अपने आप को तोल लो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा मर्ज कहां पर है। वो तो कमियां सारी। अभी तो बोल रहे थे तकलीफ कुछ है ही नहीं, अब कह रहे हो कमियां सारी है। तो अरे
कम से कम अपने दुराग्रहों पर ही कुछ देर डटा तो करो, तुम तो डटते ही नहीं। तुम झूठ पर भी नहीं डटते, तुम सत्य पर क्या डटोगे? झूठ भी बोलो तो कम से कम थोड़ी देर तो डटो उस पर। कहीं तो निष्ठा सीखो। जब झूठ भी बोलो तो उसके प्रति थोड़ी वफा तो रखो। वफा जानते ही नहीं। अभी बोला कोई कमी नहीं, अभी बोला सारी कमियां हैं। थोड़ी देर झूठी बहस करते कुछ अच्छा लगता? अपनी बेकार की बातों पर अड़े रहते कुछ मजा आता? निष्ठा नहीं है, अडिग रहना नहीं जानते। लियो एक कमजोरी और निकल आई। सारी कमियां सुन, अब सारी कमियां है। थोड़ी देर पहले कोई नहीं थी, पता नहीं चल रहा। इतनी आसानी से तो पता चल गई? मैंने बताई एक भी? सारे सूचक किसने बताए? सबने बताए। सबके साथ तीन दिन से हो, पहले ही दिन पूछ लिए होते कि मुझ में क्या कमी है बता दीजिए, तो सब बता देते। कभी तो लगता है ऐसे जैसे सारी नहीं है, संतुष्ट भी है, नहीं करेंगे ये भी नहीं है, पर फिर वो तो ऐसा भी बुखार होता है ना जो सिर्फ शाम को चढ़ता है, तो डॉक्टर से ये थोड़ी बोलोगे कि कभी कभी ही बुखार चढ़ता है इसका मतलब हम स्वस्थ हैं। कई तरीके के बुखार देखे, दिन भर नहीं रहते, सांझ ढली नहीं कि बुखार चढ़ जाता है। तो बीमारी तो वो भी है, गहरी वाली है। अगर कभी कभार भी तुम्हें बुखार होता है तो अब डॉक्टर के पास जाओ और बोलो कभी कभार दस्त लगते हैं, वो तो कभी कभार ही लगेंगे, लगातार थोड़ी लगेंगे। असली बात समझो, असली बात यह है कि हम अपनी कमजोरियां, कमियां, जीवन की नाकामियां स्वीकार करने से कतराते हैं। क्यों? दो बात। पहला तो हमारे गौरव को बड़ी चोट लगती है, और दूसरी बात एक बार मान लिया कि कमी है तो अब जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कमी दूर करने की। हम न तो चाहते हैं कि हमारा अहंकार आहत हो और न हम चाहते हैं जिम्मेदारी उठाना। नहीं ऐसे कभी तो लगता है भी अहंकार नहीं है अपने तो क्या है सब, और कभी कभी बहुत अहंकार आ जाता है। कभी कभी तो डॉक्टर साहब बुखार बिल्कुल रहता नहीं, कभी कभी 104 आ जाता है। बेटा 104 लगातार तो किसी को भी लगातार नहीं रह सकता, दो ही तीन दिन में साफ हो जाएगा। बीमारी लंबी खिंचेगी ही तभी जब तुम उसके साथ समझौता कर लो, जब तुम उसके साथ सह अस्तित्व सीख लो। बहुत ही अगर तीव्र हो बीमारी तो लंबी नहीं चलेगी, फिर या तो बीमारी रहेगी या तुम रहोगे। 104 डिग्री बुखार बहुत लंबा नहीं चल सकता, फिर या तो बुखार या तो। हाँ 100 डिग्री वाला तुम्हें हो सकता है सालों चल जाए, क्योंकि तुमने उसके साथ को एग्जिस्ट करना सीख लिया है, सह अस्तित्व आ गया तुमको। बीमारी के साथ जिसने सह अस्तित्व सीख लिया अब वो सदा बीमार रहेगा।
क्योंकि आपको बोलेगा हमेशा थोड़ी रहता है बुखार, और ज्यादा थोड़ी रहता है बुखार, शाम को चढ़ता है, 100 101 जाता है, बस इतना ही। तो चल रही है गाड़ी, चलने दो। मुझे एक बार एक मैकेनिक ने बोला था, बोला पंचर टायर से कहीं ज्यादा जानलेवा होता है घिसा टायर। तूने गजब बात बोल दी। उसने बोला पंचर टायर से ज्यादा जानलेवा होता है घिसा टायर, क्योंकि टायर अगर पंचर ही हो गया तो तुम्हें रुकना पड़ेगा, पीछे स्टेप नहीं है, रुकना पड़ेगा। जान तो नहीं जाएगी, देर हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, लेकिन जान तो नहीं जाएगी। लेकिन टायर अगर घिसा हुआ है तो तुम्हें उसे बदलने की जरूरत महसूस नहीं होगी, तुम चलते रहोगे। तुम कहोगे अभी एक महीना और खींच लो, और घिसा टायर क्या कर देगा, फट भी सकता है, फिसल भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बड़ी बीमारी से ज्यादा घातक होती है छोटी और छुपी बीमारी। बड़ी बीमारी तुम्हें विवश कर देती है इलाज कराने को, छोटी बीमारी के साथ तुम सुविधापूर्वक सह अस्तित्व सीख लेते हो।